अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मनी व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज जो रेसिपी हम बनाएंगे वो है लोबिया। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ सिंपली बनने वाली रेसिपी है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलें इंग्रेडिएंट नोट कर लेते हैं। इसमें जो डलेगा वो नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, एक बड़े साइज का टमाटर बारीक चॉप, सफ़ेद लोबिया एक पाव मैंने धो के भिगो लिया है, एक दरमियाने साइज़ का प्याज बारीक चॉप और लहसुन अदरक का पेस्ट एक चम्मच में टमाटर में ही ऐड कर रही हूँ। तो अब हमने चूल्हे पे ऑलरेडी पतीली रखी हुई है, चूल्हा जला लेते हैं। और चूल्हा जलाने के बाद इसमें हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे हाफ कप। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद एक सेकंड के लिए हम वेट करेंगे कि ये कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो ये गर्म ऑलमोस्ट हो चुका है, तो हम इसमें ऐड करेंगे बारीक चॉप प्याज जो हमने एक दरमियाने साइज की ली थी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। याद रखें कि हमें गोल्डन ब्राउन करना है, जलाना नहीं है। तो जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि स्लो फ्लेम पे हम पहले प्याज को पिंकिश होने तक फ्राई करेंगे, फिर तेज़ फ्लेम करके जो है लाल कर लेंगे। तो जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो चूल्हा हल्का कर देंगे। अभी ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे एक बड़ी टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट एक चम्मच। तो जो है मैंने ऐड कर दिया। अब इसमें हम इसको अच्छे से भूनेंगे। हमें 2 से 3 मिनट इसको भूनना है क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट जो है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो है जो एक लहसुन की कच्ची कच्ची अरोमा आ रही होती है वो सालन में नहीं आएगी। तो हम इसमें कोई पानी ऐड नहीं करेंगे, जस्ट इसको हम टमाटर के साथ ही और जो है ऑयल में ही भूनेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के अच्छे से भूनना है इसको। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें जो है फर्दर मसाले ऐड करेंगे। अभी 2 से 3 मिनट बाद देखें, अब हम इसको इसमें ऐड करेंगे नमक, हसबे जायका आप लोग जितना खाते हैं आप लोग अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, ठीक है। और लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून, 2 चमची लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, आधी चमची। तो ये मसाले ऐड करने के बाद हम इसको भूनेंगे अगेन 2 से 3 मिनट तक, ताकि ये जो मसाले हमने ऐड किए हैं उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और टमाटर जो हैं वो डिसॉल्व हो जाए। तो हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे और 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे तो उसमें उसी दौरान हम 2-2 चमचे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे। जहाँ हमें लगेगा कि मसाले में अब पानी की ज़रूरत है तो हम पानी ऐड कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट तक हम इसको भूनते हैं मसाले को अच्छे से। अब 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसकी कुछ शक्ल कंसिस्टेंसी ऐसी होगी। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 4 कप पानी। 4 कप पानी एक ही साथ ऐड करेंगे। लोबिया थोड़ा टाइम लेता है गलने में, तो इसलिए हम 4 कप पानी पहले ही ऐड कर देंगे। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो है जो चने की दाल होती है, काली मसूर की दाल होती है और जो अरहर की दाल होती है और ये लोबिया है, तो इस तरह के जो दालें होती हैं ये थोड़ा टाइम लेती हैं गलने में, तो इनको एक ही बार पानी ऐड करना चाहिए। तो हमने इसमें अब इसमें उबाल आ गया है। अब इस स्टेज पर हमने जो लोबिया मैंने 5 मिनट के लिए भिगोया था, ये मैंने एक पाव लोबिया ले लिया है तो भिगो लिया था 5 मिनट। तो अब ये हम ऐड किया है हमने और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से और अगेन इसके अंदर बॉयल आने का वेट करेंगे। तो जैसे ही बबल्स साइड पे आप देख रहे हैं आ रहे हैं, एक प्रॉपर जो है बॉयल आने का वेट करेंगे। द
दैट्स द पॉइंट कि हम इस स्टेज पे अब ये बॉयल आने लगा है तो इस स्टेज पे हम इसको कवर कर देंगे और बिल्कुल स्लो फ्लेम करके 20 से 25 मिनट तक हम इसका गलने का और पानी ड्राई होने का वेट करेंगे। तो हम बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देते हैं, 20 से 25 मिनट बाद हम देखते हैं। यस, ये देखें तो पानी भी ड्राई हो चुका है और लोबिया हम चेक कर लेते हैं गला है कि नहीं गला। ऑलमोस्ट गल गया है, दो तीन चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये गल चुका है। तो यहाँ पे जो है एक मिलता है मैजिक श्राप के नाम से, एक साशे होता है मैगी का है, आप लोग भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे चिकन का अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये मैं एक पैकेट ऐड कर रही हूँ। ये यूएई में तो इजीली अवेलेबल है, आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे अगर ये ना मिले, ऑप्शनल है, ये डिपेंड करता है आप लोग ऐड करें नहीं करें, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ही इतना अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। तो आप चिकन क्यूब हो तो चिकन क्यूब ऐड कर सकते हैं, नो इशू। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें साबुत, मिक्स करके 1 मिनट हम इसको 1 मिनट के लिए लिड लगा के सेम फ्लेम हल्की छोड़ देंगे और 1 मिनट बाद देखते हैं। ये देखें, नाउ इट्स ऑलमोस्ट डन। चूल्हा बंद कर देते हैं और जो है अब इसको निकालते हैं अपने बाउल में, आपको फिर दिखाते हैं। ये देखें, बहुत ही सिंपल और कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत लजीज बनेगा ये, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।